क्या आपको पता है, अरेनी वन जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज तक का ढूंढा गया सबसे पुराना जूता है। साइंटिस्ट ने इसकी कंडीशन देखकर बताया है कि ये जूता 5500 साल पुराना है, यानी आज से 5500 साल पहले ही जूते अस्तित्व में आ गए थे। दोस्तों, आज मैं आपको जूते से रिलेटेड 7 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आप बोलेंगे व्हाट अ फैक्ट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मेरे फैक्ट्स के मजे ले पाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 7, क्या आपको पता है, रोमन सिविलाइजेशन में जूते का साइज मेजर करने के लिए बाले के ग्रेन्स यानी बाजरा के दानों से मेजर किया जाता था। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1324 में किंग एडवर्ड सेकंड ने बाजरे से जूते की मेजरमेंट को ऑफिशियल कर दिया था और आज भी इंग्लैंड और आयरलैंड में कई जगह ये सिस्टम अभी भी है। अमेजिंग, इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 6, आप किसी भी लड़की के पैर में देखिए तो आपको हील्स ज़रूर से ज़रूर दिखेंगी, क्योंकि आजकल लड़कियों के फैशन में हील्स बहुत ट्रेंड पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि हील्स पहनना लड़कों ने शुरू किया था? जी हाँ दोस्तों, एंशियंट टाइम्स में राजाओं ने लंबे दिखने के लिए हील्स पहनना शुरू किया था और उसके बाद लड़कियों ने मैस्कुलिन और सुंदर दिखने के हील्स पहनना शुरू कर दिया, तो फिर लड़कों ने उसे शर्म की बात समझकर छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हील्स बहुत पुराना फैशन है। जी हाँ दोस्तों, हील्स 14th सेंचुरी से है और इसका नाम हील्स नहीं चौपिंस हुआ करता था। हील्स का आविष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि पहले कम डेवलपमेंट था, जैसे पहले ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो इसलिए रोड्स पर गंदगंदियाँ बहुत हुआ करती थी, तो इसलिए लोगों ने चौपिंस पहनना शुरू किया जो उनके पैर को ज़मीन के सरफेस से ऊपर रखती। और क्या आपको पता है कि पहले की हील्स 70 सेंटीमीटर तक लंबी हुआ करती थी, तो उसको पहन के चलने के लिए लोगों को 2 नौकर अलग से रखने पड़ते थे जो उन्हें संभाल सकें, तो इसलिए उसे केवल अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है तो आप मैरी एंटोइनेट को ज़रूर जानते होंगे जो फ्रांस की रानी हुआ करती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय। और आपको जान के हैरानी होगी कि मैरी एंटोइनेट के पास 500 जोड़ी जूते थे, यानी 500 पेयर्स ऑफ शूज। जी हाँ दोस्तों, कम डेवलपमेंट की वजह से फ्रांस की रोड्स बहुत गंदी हुआ करती थी, तो नोबल लोग गंदगियों से बचने के लिए शूज पहना करते थे और उसे 2-3 दिन यूज़ करने के बाद फेंक दिया करते थे। तो जब क्वीन मैरी को गिलेटिन किया जा रहा था तब भी उन्होंने हील्स ही पहनी थी। व्हाट अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सबसे पहले बूट्स कब बने होंगे? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, इस दुनिया का सबसे पहले बूट्स 1840 में इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के लिए बने थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि 11th और 10th सेंचुरी में चाइना में एक अजीबोगरीब ट्रेडिशन था कि औरतों की सुंदरता उनके पैर से देखी जाती थी? जी हाँ दोस्तों, अगर उनके पैर छोटे होते तो वो सुंदर थी और अगर बड़े होते तो नहीं, तो इसलिए एक जूते को बनाया गया जिसका नाम था लोटस फीट, जो एक नॉर्मल जूते के हिसाब से बहुत छोटा था और उसमें उसी के पैर आ सकते थे जिसकी उंगलियाँ टूटी हों और फोल्ड हों या उसके पैर नेचुरली बहुत छोटे हों। क्या है, चाइना वाले पहले से ही अजीब थे। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी औरत है जिसके पास 6000 जोड़ी जूते हैं, यानी 6000 पेयर्स ऑफ शूज। क्या आप देखना